दोस्तों, मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज हम 12वीं क्लास में जो सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है उसमें जो पोयम है उनका मैं जो इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं या बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले माय मदर एट 66 जो कमला दास ने पोयम लिखी हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन आती है कि हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। यहाँ पर तुलना की गई है उनके चेहरे की एक डेड बॉडी से और उसके लिए लाइक वर्ड का यूज़ किया है। और जहाँ भी तुलना के लिए लाइक आए, एज आए, समझ लीजिए वहाँ पर सिमली अलंकार है। सिमली का मतलब होता है उपमा और उपमा का मतलब होता है तुलना करना। अगला एग्जाम्पल है वॉन पेल एज आ लेट विंटर्स मून। यहाँ पर भी तुलना की गई है, पीला भद्दा सा दिखाया गया है पोएट की माँ का चेहरा काहे की तरह विंटर के मून की तरह, सर्दियों के चंद्रमा की तरह है। और इसके लिए एज इस्तेमाल किया है और जब भी एज आए या लाइक आए तुलना करते समय तो वहाँ पर सिमली अलंकार होता है। सिमली का मतलब होता है उपमा और उपमा मतलब तुलना करना। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ पर ये जो मैरी चिल्ड्रन है उनको घरों से बाहर आते हुए बताया गया है। इसका मतलब पोएट कह रहा है खुशी बाहर आ रही है, खुशी बाहर आ रही है। तो खुशी को बाहर आते हुए दिखाना मतलब पर्सनिफिकेशन करना, मनुष्य का गुण देना, क्योंकि आना जाना, हंसना रोना ये सब मनुष्य के गुण हैं। और जब मनुष्य के गुण की कोई बात होती है तो वहाँ पर पर्सनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग होता है, यानी कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। अगले एग्जाम्पल में है आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये लास्ट लाइन है बिल्कुल पोएम की और पोएट यहाँ पर स्माइल 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 जो वर्ड है उसको बार बार रिपीट कर रही हैं। और जहाँ भी कोई वर्ड रिपीटेडली आए तो वहाँ पर रिपीटिशन अलंकार होता है, रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस होता है। अभी हम देख लेते हैं पोएम नंबर 2 जिसका नाम है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। तो इसमें आया हुआ है एक जगह फार फार फ्रॉम। यहाँ पर आप देख रहे हैं फार फार एक वर्ड रिपीट किया गया है इसलिए हम कह सकते हैं रिपीटिशन अलंकार यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर फार फार फ्रॉम एफ एफ जो लेटर है एफ वो बार बार आ रहा है। जब कोई लेटर बार बार आता है तो वहाँ होता है एलिटरेशन अलंकार। एलिटरेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। जब एक लेटर रिपीट होता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन अलंकार होता है। तो यहाँ रिपीटिशन भी बोल सकते हैं और एलिट्रेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि वर्ड भी यूज़ हुआ है बार बार और लेटर भी। अभी एक लाइन है लाइक रूटलेस वीड्स। तो लाइक वर्ड आया हुआ है, बच्चों के चेहरों की तुलना रूटलेस वीड्स से की गई है। और जहाँ तुलना आती है और वो तुलना लाइक से की जाती है या एज से की जाती है तो वहाँ पर सिमली अलंकार होता है। सिमली का मतलब होता है उपमा, उपमा मतलब तुलना करना। एक जगह आया हुआ है पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग बॉय पेपर जैसा दिखने वाला लड़का, दुबला पतला दिखने वाला लड़का। तो लड़के को पेपर से तुलना की गई है, की तरह बताया है। सीमिंग मतलब की तरह, और जब की तरह बताया जाता है तो सिमली अलंकार होता है। सिमली मतलब उपमा और उपमा मतलब तुलना करना।
आगे कह रहे हैं कि सोर सोर क्रीम वॉल, यहाँ पर दीवारों को भद्दा बताने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर भी तुलना है, लेकिन यहाँ पर एज या सो या लाइक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, और जब बिना इन शब्दों की तुलना होती है तो वो कहलाता है मेटाफर। मेटाफर मतलब रूपक अलंकार। यहाँ पर दीवारों को भद्दे रंग का रूप दिया गया है और इसलिए अलंकार होगा मेटाफर। आगे कह रहे हैं पेंटेड विथ फॉग, कह रहे हैं कि बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे उनका भविष्य फॉग से पेंट कर दिया गया है, भद्दे रंग से पेंट कर दिया गया है, धुंध से पेंट कर दिया गया है। तो उनको फॉग से तुलना कर रहे हैं, और तुलना में लाइक एज या सो शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अलंकार होगा मेटाफर। अभी आगे कह रहे हैं कि लीड स्काई, तो यहाँ पर भी लीड स्काई मतलब शीशे के समान वो दिखाया जा रहा है आकाश, शीशे वाला आकाश दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर तुलना में लाइक एज का प्रयोग नहीं किया है उन्होंने, तो यहाँ पर होगा मेटाफर अलंकार यानी कि रूपक अलंकार। आगे कह रहे हैं फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग को बताया गया है अनंत रात की तरह, तो फॉग की तुलना एक तरह से एंडलेस नाइट से की गई है, और यहाँ पर तुलना के लिए उन्होंने एज लाइक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, सीधा रूप दिया है, और जहाँ सीधा रूप देते हैं वहाँ मेटाफर अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। आगे कह रहे हैं स्लम, स्लम एज बिग एज डोम, अब स्लम की तुलना डोम से की है और एज का इस्तेमाल किया है तुलना के लिए, और इसलिए यहाँ पर होगा सिंबली अलंकार, उपमा अलंकार। जहाँ एज लाइक या सो शब्दों का इस्तेमाल होता है वहाँ सिंबली अलंकार होता है। आगे कह रहे हैं कि लिप्स लाइक कैटकम, वो ऐसे रहते हैं जैसे छोटी छोटी कब्र, तो उनकी छोटी छोटी झुग्गियों की तुलना कैटकम से की गई है, और लाइक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और जहाँ तुलना के लिए लाइक आए, एज आए या सो आए वहाँ पर सिंबली अलंकार होता है। और आगे कह रहे हैं ब्रेक ओ ब्रेक ओपन, ब्रेक ब्रेक जो वर्ड है वो रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर रिपीटिशन अलंकार है। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट पोयम कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुडा की पोयम है। आइए देखें, यहाँ पर पोएट लिखता है नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। तो यहाँ पर W रिपीट हुआ है, वी विल आया हुआ है, और जहाँ अक्षर रिपीट होते हैं वहाँ पर एलिटरेशन अलंकार होता है, हिंदी में इसे अनुप्रास अलंकार भी बोलते हैं। आगे कह रहे हैं कि वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, देखे वो देखे अपने जख्मी हाथों को, तो हिज में एच आया हुआ है, हर्ट में एच आया हुआ है, एंड हैंड्स में भी एच आया हुआ है, तो एच रिपीट हो रहा है, और जब एक ही वर्ड रिपीट होता है तो एक ही अक्षर रिपीट होता है तो वहाँ पर होता है एलिटरेशन अलंकार यानी कि अनुप्रास अलंकार। आगे कह रहे हैं काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, 12 तक गिनेंगे और फिर हम सब लोग शांत हो जाएंगे। दो विरोधी थॉट रखे गए हैं कि हम 12 तक गिनेंगे और हम शांत हो जाएंगे, तो यहाँ पर एंटी थीसिस अलंकार का प्रयोग है, दो अपोजिट आइडियाज़ हैं इसलिए एंटी थीसिस। आगे कह रहे हैं विदाउट रश विदाउट इंजन्स, यहाँ पर विदाउट वर्ड रिपीट हुआ है, और जब कोई वर्ड रिपीट होता है तो वहाँ पर अलंकार होता है रिपीटिशन, रिपीटिशन अलंकार। दोस्तों अब नेक्स्ट पोयम पर चलते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी में मेटाफर जो अलंकार है रूपक अलंकार, इसका प्रयोग बहुत जगह है, जैसे बोअर क्वाइट
में मेटाफर अलंकार है, स्वीट ड्रीम्स में मेटाफर अलंकार है, रेदिंग आ फ्लॉवरी बैंड यहाँ पर भी मेटाफर अलंकार है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक यहाँ पर भी मेटाफर अलंकार है। यहाँ पर एलिट्रेशन अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि नोबल नेचर्स, तो एन एन जो अक्षर है वो रिपीट हो रहा है इसलिए एलिट्रेशन। कूलिंग कवर्ट यहाँ पर सी अक्षर रिपीट हो रहा है, कूलिंग कवर्ट तो यहाँ पर एलिट्रेशन अलंकार है। बैंड टू बाइंड यहाँ पर बी इस्तेमाल हो रहा है इसलिए एलिट्रेशन अलंकार। एक और अलंकार का इस्तेमाल काफ़ी किया है पोएट ने, इमेजरी, इमेजरी अलंकार का। ये जो अलंकार होता है ये विजुलाइज करता है आइडियाज़ को, हमारे दिमाग में पिक्चर बनाता है। तो जैसे देखें फ्लावरी बैंड्स, ये हमें विजुलाइज कर रहा है इसलिए इमेजरी अलंकार है। शेडी बोन, इसमें भी इमेजरी अलंकार है। डेफोडिल्स इन ग्रीन वर्ल्ड यहाँ पर भी इमेजरी अलंकार है। क्लियर रिल्स यहाँ पर भी इमेजरी अलंकार है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इटर्नल ड्रिंक यहाँ पर भी इमेजरी अलंकार है। दोस्तों आगे चलते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स में, इसमें एक लाइन आती है, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पर टाइगर्स को ब्राइट टोपाज बोला गया है और हम कह सकते हैं यहाँ पर रूपक अलंकार है, रूप दिया गया है टाइगर्स को ब्राइट टोपाज का इसलिए यहाँ पर मेटाफर अलंकार है, रूपक अलंकार है। आगे कह रहे हैं द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो यहाँ पर जो शादी है उसको बहुत बड़ा बोझ बताया गया है, शादी की तुलना बोझ से की गई है इसलिए यहाँ पर मेटाफर अलंकार है, रूपक अलंकार है मेटाफर। और आगे कह रहे हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, तो यहाँ पर एफ जो अक्षर है वो काफ़ी रिपीट हुआ है और जहाँ अक्षर रिपीट होते हैं वहाँ पर होता है एलिटरेशन अलंकार, तो यहाँ पर एलिटरेशन अलंकार है। तो दोस्तों इस तरह से जो भी पोएम्स में इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए या कह सकते हैं पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए वो एक्सप्लेन किए गए, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक करें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन सो सो दैट यू कुड रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।